now we are going to discuss the research which is being done outside the traditional setting most of the issues discussed earlier apply to research which is conducted inside the walls of academic institutions, probably hospitals community engagement centers or maybe we can talk about different kind of the facilities which is being provided to the research uh, assistance certain tanaki research kar sakte Uh, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सेटिंग से बाहर निकल के रिसर्च करने की तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉपरली रिसर्च का सेटअप आपको उस तरह से अवेलेबल नहीं होगा लेकिन वहाँ पर आप रिसर्च कर रहे होंगे डेटा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर समटाइम्स कलेक्टेड फ्राम स्कूल्स कॉलेज पब्लिक प्लेस एंड इवन फ्राम प्राइवेट होम्स इन दीज इंस्टेंसिस सम एथिकल रिक्वायरमेंट्स फ्राम स्ट्रक्चर सेटिंग्स डू नॉट ट्रांसलेट वेल टू दीज वैन्यूज एंड न्यू एथिकल कुड़ बी फेस्ड सम्स जब हम इन जगहों से रिसर्च इकट्ठी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ एथिकल जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स इन फील्ड रिसर्च में नॉट ऑलवेज बी अवेयर दैट दे आर बींग ऑब्जर्व अगर हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को ज्यूम करते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं अगर हम उनका कोई बिहेवियर स्टडी कर कोई पासर बायेवियर देख रहे हैं कोई हम उनका किसी एक यूनिक सिचुएशन के अंदर उनका कोई बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर सब लोगों से ना तो इन्फॉर्म कंसेंट लिया होगा ना वहाँ पे सब लोगों को इसके बारे में कोई ब्रीफिंग दी होगी और हम उनको जब ऑब्जर्व करे होते हैं तो वो उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा होता है सो दस लिमिटिंग द नीड फॉर एन एडवांस वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म परमिशन कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द पार्टिसिपेंट्स आर बींग सिंपली ऑब्जर्व इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग जैसे आप एक पार्क में देख रहे हैं कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं वो लिटरिंग तो नहीं करे उनके सोशल इंटरैक्शन कैसे हैं या ओवरऑल वहाँ पर जो माहौल है वो क्या जा रहा है तो ये एक सिचुएशन हो सकती है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल मिनिपुलेशन आपने उसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन ऐड नहीं की जिसकी वजह से आप लोगों के बिहेवियर को ऑल्टर करेंगे और उसके लिए आपको उनकी परमिशन जो है उसकी जरूरत होगी एट अदर टाइम्स द पार्टिसिपेंट्स आर डिसीव एंड देयर रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड जैसे हम अक्सर जो है वो जगहों पर देखते हैं कि कहीं कैमरा लगा होता है और लोगों के इमोशंस को पहले प्रोवोक किया जाता है उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि लुक हेयर इज़ द कैमरा तो वो उस वक्त तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी का शेड सामने आता है वो बेसिकली उनको डिसीव देकर देखा जा रहा होता है तो हम रिसर्च के अंदर इस तरह की चीज़ें करते हुए बहुत केयरफुली देखते हैं कि क्या तो कॉन्फिडरेट ऑफ जो हमारा होता है उस एक्सपेरिमेंट का वो अगर उसको पोस्ट करा है या कोई किसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम उसको बाद में या तो उसकी डीब्रीफिंग करते हैं उस रिसर्च का पर्पस बताते हैं और फिर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं ऐसे नहीं कि एक बंदे को हम अनॉय कर दें और उस रिसर्च को हम खत्म कर दें फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्फिडरेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंटल एन एनॉक्शियस स्टोर कस्टमर और अ सिक पर्सन ऑन द साइड वॉक बाय अनर कॉन्फिडरेट रिकॉर्ड ऑब्जर्वर रिएक्शन यानी हम इस तरह के रिसर्च में देख सकते हैं कि कोई एक बंदा जो है वो एक स्टोर के अंदर कोई सीन क्रिएट करता है कोई ऐसा बिहेवियर शो करता है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को बुरा लगे या गुस्सा आए या वो लाइन क्रॉस करके आगे चला जाए अपना बिल पहले कराए और फिर देखें कि लोग उसके साथ कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बेसिकली हमें अपना एक कॉन्फिडरेट भी वहाँ होना चाहिए बाद में प्रॉपर डीप्रीफिंग भी करनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी प्रॉब्लम्स आर मिनिमम इन सिचुएशन वैन नैचुरस्टिक ऑब्जर्वेशर बिंग डन ज़ाहिर है जब आप नेचरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन करें वहाँ प्राइवेसी भी नहीं होगी वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं होगी सो पब्लिक बिहेवियर्स जो हैं वो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आ, ये वाली चीज़ देखना कि वो प्राइवेसी में है या कॉन्फिडेंशियलिटी में है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हाउ एवर वायल यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ विजल और ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पीपल्स बिहेवियर इट इज़ नेरी टू डिस्क और रिमूव दैट पॉसिबिलिटी ऑफ रिकोगशन अगर हम कहीं पर कोई नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमने कोई ऑडियो या वीडियो कैमरास की हेल्प से लोगों के नेचुरल बिहेवियर्स को रिकॉर्ड किया है तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसको डिस्काइज़ कर लें क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोगों के फेसेस को ब्लर कर सकते हैं या हम उनकी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं और उसको एक डिफरेंट तरह की आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं एंड इन रिजल्ट टू दैट दे वुड नॉट बी रिकोगनाइज और उनके प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के जो इश्यूज हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस के तौर पर रिसर्चर के लिए एक चैलेंज नहीं बनेंगे